सावल अपना मुंह बंद ही रखो, बोलते हो पता ही नहीं लगता बोल रहे हो कि बोल रही हो। नाज़रीन आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है क्योंकि आज का दिन बड़ा अहम था और आज के प्रोग्राम की अहमियत दो हवालों से है कि बड़ी अहम चीज़ डिस्कस करनी है और जिन साहब से करनी है वो भी उतनी ही अहमियत के हामिल हैं हमारे साथ जो मौजूद होंगे। मैं थोड़ी देर में आपका तारुफ़ उनसे करवाता हूँ, उतनी देर में थोड़ा सा वो भी जो है वो इस वक्त अपने जो है वो घोड़े या हथियार प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि उनसे ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया जा सके। नाज़रीन अब से थोड़ी देर पहले जनाब हमज़ा शहबाज़ शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की। हमारे प्रोड्यूसर साहब का, तारिक साहब का यह ख्याल था कि बेहतर था यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी का कोई सेकंड ईयर का, यानी शहबाज शरीफ साहब तो अरेस्ट हो गए, फिर सेकंड ईयर का कोई बड़ा लीडर करता और फिर उस पर वक्त जो है उसमें भी एक खास वक्त है उसका इस्तेमाल किया जाता। खैर उन्होंने नहीं किया। अच्छा उसके बाद उन्होंने अपने वालिद साहब की कामयाबियों की और उनकी खसूसियात और सलाहियतों के कुछ किस्से वो उन्होंने सुनवाए बताए, कुछ उन्होंने आसमान ज़मीन के उसमें कलाबे भी मिलाए, सब कुछ किया। लेकिन नाज़रीन क्या ही बेहतर था कि आपके और हमारे लिए, आवाम के लिए जिनके लिए वो बात कर रहे थे, वो उन 21 सवालों का जवाब दे देते ना जो नैब ने पूछे थे कि जनाब ये देखें मेरे वालिद साहब के पास वो जवाब था, उसके बावजूद ना हक बेकसूर बेगुनाह शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया, इन सवालों का जवाब दे देते। अब नाज़रीन हो ये रहा है जो चीज़ बार बार आके मीडिया पे कही जा रही है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये सियासी इंतकाम है जो नैब के जरिए लिया जा रहा है, हालांकि ये केस इनकी अपने दौरे हुकूमत में शुरू होता है और वो अब आहिस्ता आहिस्ता बंद के अंजाम तक पहुंच रहा है। तो नाज़रीन वो 21 सवाल जो नैब ने मियाँ साहब से पूछे थे अगर आप उसका जवाब दे दें, हमारा शुरू दिन से यही कहना था कि जब ये कहा जाता था कि पैनामा के खिलाफ, पैनामा जो कुछ ये पैनामा लीक के हवाले से हो रहा है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये बाय डिजाइन साजिश की जा रही है, तो यही पे यही तो सवाल है हमारा कि हुजूर आप रसीदें दिखा दें कि फ्लैट कैसे लिए, बात खत्म, कोई सवाल नहीं पूछेगा। मैं अपनी गारंटी देता हूं, मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं सबसे आगे होऊंगा, आपका नारा बुलंद करूंगा और उन साजिशी मोहरों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा कि देखे जनाब इन्होंने सबूत भी दिए उसके बावजूद इनके खिलाफ किस तरह के इकदाम हो रहे हैं, मैं सबसे पहले होऊंगा, पूरी सहाफी बरादरी आपके साथ होगी। 21 सवाल थे जी, अगर उनका जवाब दे दिया जाए तो पूरी की पूरी कहानी जो है नाज़रीन वो वहीं से खत्म हो सकती है। अब मैं आपके सामने वो चीज़ें रखता हूँ, ये सवालात रखता हूँ, फिर जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आशाना इकबाल प्रोजेक्ट की नाकामी की वजूहात क्या है? अब ये भी कहा जा रहा है जनाब बुलाया साफ पानी पे था और आशियाना के ऊपर जो है वो धर लिया गया, ये तो ऐसे ही है किसी को आप चोरी के लिए बुलाएं और उसका डाका भी निकल आए, एक आधी जो है कत्ल की वारदात भी निकल आए और वो शोर मचाया, देखें जनाब मुझे तो चोरी पे बुलाया था कत्ल पे पकड़ लिया। पहला सवाल गौर से सुनिएगा, इनके जवाब मिल जाते तो शायद आज नैब को यह कार्रवाई ना करना पड़ती। आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट की नाकामी की वजूहात क्या हैं कि 7 साल गुजरने के बावजूद इसकी बुनियाद भी ना रखी जा सकी, जिसकी वजह से न सिर्फ ये मंसूबा नाकाम हुआ बल्कि इसकी लागत भी बढ़ गई। अब ये सुनते जाइए जो सवालात किए गए, पता नहीं मियाँ साहब ने इनके क्या जवाब दिए होंगे, दिए या नहीं दिए। आपने मैसर्स चौधरी लतीफ़ एंड सन्स का मुआहदा बहुत मामूली खिलाफ वर्जियों के बायस ख़त्म करने का हुक्म दिया, मगर मैसर्स लाहौर कासा डिवेलपर्स जो हैं, ये अब कंपनी का नाम है, की जानिब से 2015 में मंसूबा मुकम्मल करने में नाकाम होने पर भी आपकी तरफ से कोई हुक्म ना आया, कोई इकदाम ना उठाया, यानी एक कंपनी ने मामूली खिलाफ वर्जी की, मुआहदा कैंसिल, और ये जो मैसेज कासा है इसने काम भी मुकम्मल नहीं किया और आपने सवाल तक नहीं पूछा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। क्या कभी ये आपके इल्म में था कि मैसर्स लाहौर कासा डेवलपर्स एक जाली कंपनी है और हकीकत में मैसर्स पैरागॉन सिटी के लिए काम कर रही है? पैरागॉन सिटी से आपके कान तो खड़े हुए होंगे ना, पैरागॉन सिटी कौन है? अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी, जो साहब हमारे साथ बैठे उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि ख्वाजा साद रफीक साहब का नाम ECL में डाल दिया गया। अगला सवाल, क्या आपके इल्म में जाती या सरकारी हैसियत में ये बात आई कि मैसर्स पैरागॉन सिटी बिला वास्ता तौर पर ख्वाजा साद रफीक की मलकियत है? अब याद रखें मैसर्स कासा ये क्या है, ये मैसर्स पैरागॉन सिटी का एक इलहाक शुदा
उसके साथ उसकी सिस्टर कंसर्न कंपनी है और मैसर्स सिटी जो है वो पैरागॉन यानी ख्वाजा साद रफीक साहब से इसकी जो है वो इसकी जोड़ी जाती है, एसोसिएशन जोड़ी जाती है। क्या पीएलडीसी के किसी बोर्ड मेंबर या किसी और शख्स ने आपको मैसर्स लाहौर कासा डेवलपर्स और मैसर्स पैरागॉन सिटी के ताल्लुक का बताया? ये भी सवाल था जनाब। अगला सवाल, क्या पीएलडीसी और एलडीए ने कभी आपको बताया कि ख्वाजा साद रफीक पीएलडीसी और एलडीए के अफसरान पर मैसर्स लाहौर कासा डेवलपर्स को मुआहदा देने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं और बाद में कासा ग्रुप के गैर कानूनी कामों पर नरमी बरतने का भी कहा जा रहा है? जवाब इसका भी पूछा गया। क्या ख्वाजा साद रफीक ने कभी मैसर्स लाहौर कासा डेवलपर्स के लिए कोई कानूनी मेहरबानी या हिमायत करने की दरख्वास्त की? क्या आपने कभी ख्वाजा साद रफीक को मैसर्स लाहौर कासा डेवलपर्स पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करने का बोला कि वह अशाना इकबाल मनसूबा शुरू करें और मुकम्मल करें? क्या किसी ने आपको सरकारी या गैर सरकारी तौर पर कभी यह बताया कि पीएलडीसी और एलडीए में से किसी ने मैसर्स पैरागॉन सिटी से कोई तहाइफ या रुकूम हासिल किए? आचिमा का आपको पता है ना, उनके प्लॉट कुछ निकले हैं, तो ये तहाइफ की बात उससे एसोसिएट होकर की जा रही है। आगे जनाब, सुबह पंजाब के मुख्तलिफ सेक्टर्स जैसा कि एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, लोकल गवर्नमेंट वगैरह में पब्लिक सेक्टर कंपनीज कायम करने का आईनी और कानूनी मैंडेट क्या है, जबकि मुख्तलिफ इदारे पहले ही ये काम कर रहे हैं? लिहाजा एलडीए, एफडीए वगैरह जैसी डेवलपमेंट अथॉरिटीज के होते हुए पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी कायम करने के पीछे बुनियादी ख्याल और जरूरत क्या थी? पीएलडीसी या कोई और पब्लिक सेक्टर कंपनी कैसे काम करती? इसके उसूल और कानून क्या हैं जिनके जरिए असर ये काम करती है? क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि पीएलडीसी के आर्टिकल और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 2013 के एसईसीपी के जारी करदा कॉरपोरेट गवर्नेंस रूल्स के तहत हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा बोर्ड और कंपनी के सीईओ के अलावा कंपनी के काम में कोई भी शख्स बशमूल वजीर आला दखल अंदाजी नहीं कर सकता, या कोई ऐसी अथॉरिटी भी है जिसका यह कानूनी मैंडेट है कि वो कंपनी के रोजाना के काम में दखल अंदाजी कर सके? अगर आप इससे इत्तफाक नहीं करते तो अपनी वजह मुतल्लिका कानून और रूल्स के साथ बताएं। आगे जनाब, 21 अक्टूबर अभी सुनने वाली बात है, 21 अक्टूबर 2014 को 96H मॉडल टाउन लाहौर में आपने एक मीटिंग की सदारत की जिसमें आपने पीएलडीसी को हुक्म दिया कि आशाना इकबाल और आशाना कायद प्रोजेक्ट एलडीए के हवाले कर दिया जाए, जबकि यह इख्तियार सिर्फ पीएलडीसी के बोर्ड के पास है, बराए मेहरबानी इस पर तबसरा करें। 21 अक्टूबर 2014 को होने वाली मीटिंग के मिनट्स के मुताबिक आपने पीएलडीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दाम में लाकर इख्तियार खुद से ही फर्ज कर लिया, खुद ही अज्यूम कर लिया कि मैं कर सकता हूं, बराए मेहरबानी इसका जवाब पेश करें। आपने 20 मार्च 2013 को लिखे हुए हुक्मनामे के जरिए पीएलडीसी को दिया गया आशाना इकबाल का कॉन्ट्रैक्ट मंसूख करने का कहा। आपको यह मालूम होगा कि कानूनी तौर पर यह इख्तियार पीएलडीसी के सीईओ और बोर्ड का है, मगर आपने यह फैसला खुद, अब ये वो चीजें हैं जहां से जो है मियां साहब के गिर्द घेरा तंग होता गया, मगर आपने यह फैसला खुद ही कर लिया और इस तरह बोर्ड को असर रसूख में लाते हुए अपने फैसले की तौसीक करने पर मजबूर किया, जिसके नतीजे में 193 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ और बाद में पीएलडीसी को मैसर्स चौधरी लतीफ एंड सन्स को 50 लाख जुर्माना भी अदा करना पड़ा। आप अपने इन अमाल पर क्या जवाब देंगे? मैसर्स चौधरी लतीफ एंड सन्स के मुआहदे की मंसूखी के बाद पीएलडीसी ने प्रोजेक्ट आपकी हिदायत पर एलडीए के हवाले कर दिया, क्या किसी कंपनी का बुनियादी काम किसी दूसरी अथॉरिटी को, सर ये अगला आपके पास है, अगर मैं मुझे दिए मैं पढ़ दूं, माजरत, किसी दूसरी अथॉरिटी को सिर्फ वजीर आला की हिदायत पर दिया जा सकता है? पीएलडीसी ने आपके अहकाम की तौसीक की जबकि डीजीएलडीए उसी मीटिंग में मौजूद थे, क्या ये मफादात का तजाद नहीं है? बहुत कम सवाल रह गए हैं। अगर डीजीएलडीए पीएलडीसी के बोर्ड में मौजूद थे तो क्या वो पीएलडीसी बोर्ड की मदद कर सकते थे? फिर एक मुनासिब इदारे के होते हुए इस प्रोजेक्ट को गैर कानूनी तौर पर एलडीए के हवाले क्यों किया गया? ये वो सवालात हैं जी जिन पे मियां साहब इस वक्त नैब के हिरासत में है। आशाना कायद लाहौर, आशाना साहिवाल, आशाना फैसलाबाद हुकूमत ने मुकम्मल किया, गौर से सुनिएगा, ये चार प्रोजेक्ट, तीन प्रोजेक्ट हुकूमत ने मुकम्मल किए। आशाना इकबाल की इत्तदा भी हुकूमत के जेर साया ही हुई, मगर बाद में इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जेर साया शुरू करने का फैसला किया गया, जिसमें हुकूमत ने 2000 कनाल जमीन डेवलपर को ट्रांसफर करना थी। एलडीए ने यह मुआहदा एक जॉइंट वेंचर मैसर्स लाहौर कासा डेवलपर्स को दिया, जिसमें
तीन कंपनियां, ये यहाँ पे टेक्निकल है लेकिन आपको मजा आएगा, सुनिएगा कि यहाँ पे मसला असल में हुआ क्या। यहाँ से खिचड़ी पकना शुरू होती है। मुआहदा मिल गया ज्वाइंट वेंचर के जरिए किसको, मैसेस लाहौर कासा डेवलपर्स को दिया गया। इसमें तीन कंपनियां, अब सुनिए, बिस्मिल्ला इंजीनियरिंग, मैसेज स्पार्को और मैसेज एन होई कंस्ट्रक्शन शामिल हैं, जो कि मैसेज बिस्मिल्ला इंजीनियरिंग की जो इसी के ये सिस्टर कंसर्न्स थे। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि आगे हुआ क्या जी। पैरागॉन सिटी की प्रॉक्सी के तौर पे, ये पैरागॉन सिटी की प्रॉक्सी के तौर पे तीनों कंपनियां बिस्मिल्ला एन होई और ये मैसेज स्पार्को पैरागॉन सिटी की प्रॉक्सी के तौर पर काम के लिए जानी जाती हैं। इसके लिए कोई अहलियत का मयार नहीं रखा गया, जिसके नतीजे में एक सी क्लास कंपनी मैसर्स बिस्मिल्ला इंजीनियरिंग, जिसकी ज्यादा से ज्यादा हद 100 मिलियन थी, सी क्लास, सी कैटेगरी, आप जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनको पता है कि ए कैटेगरी क्या होती है, सी कैटेगरी क्या होती है, 100 मिलियन थी, 14 अरब का प्रोजेक्ट दे दिया गया। आपकी लिमिट होती है, हर लिमिटेड कंपनी की लिमिट होती है ना जी, उस पर उसको ठेका मिला जाता है। तो एलडीए ने मजीद हेर फेर करते हुए तीनों कंपनियों को 33.33% स्कोर दे दिया, जबकि हकीकत में मैसर्स बिस्मिल्ला इंजीनियरिंग के 90%, मैसर्स स्पार्को के हिस्से 9% और एनहोई कंस्ट्रक्शन के 1% हिस्से से मैसर्स एनहोई कंस्ट्रक्शन का नाम गलत इस्तेमाल किया गया, ताकि मैसर्स बिस्मिल्ला इंजीनियरिंग को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, जबकि हकीकत में वो सी क्लास कंपनी है। चुनाचा आपके इस फैसले से पीएलडीसी के मफादात का नुकसान हुआ, बराए मेहरबानी तबसरा करें, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त वजीर इत्तलात पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब फैज़ुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का और आपके सब्र का कि आपने मुझे सुना। लेकिन ये बताना बड़ा ज़रूरी था नाज़रीन को कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहा जा रहा है उसके पीछे हल क्या है। सर आपसे मेरा सवाल ये है, इस पर आप तबसरा कीजिएगा ज़रूर, सवाल ये है कि आपका स्टेटमेंट, फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट भी मौजूद है जिसमें फैज़ साहब तनकीद ये हो रही है कि कहा जा रहा है कि अभी और भी गिरफ्तारियाँ होंगी। तो सर नैब एक आज़ाद इदारा है, आपकी गवर्नमेंट है, आपको कैसे इत्तला है या किस बेस पे या किस अथॉरिटी से आप नैब का रिप्रेजेंटेटिव बन के कह सकते हैं कि अभी और भी गिरफ्तारियां होंगी? फ़ैज़ साहब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहली बात तो ये है कि हम किसी नैब के या किसी अदारे के जो है वो स्पोक्स पर्सन हैं, हम वफाक के और पंजाब के जो है वो स्पोक्स पर्सन हैं, और जब हकूमत में हो तो हकूमत की ही ये जिम्मेदारी होती है कि करप्ट और बददियानत लोगों को अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर जो कायम अदारे हैं, आज़ाद अदारे, ऑटोनोमस अदारे, जिसमें नैब है, उसमें आपकी एफआईए भी है, उसमें पुलिस जितने भी अदारे हैं उनके साथ तआवुन करके करप्ट और बददियानत जितने फिगर्स हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। बददियानत करप्ट कोई भी सुन लेना, आगे 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 तक के लिए अली आपने ना लंबा सा एक सर ठीक है साथ साथ ही चलेंगे, 4-1 मिनट मुझे बोलने देंगे जैसा आपने बोला है ना जी। हमने उसके ऊपर तबसरा किया है, अच्छा, जिस तरह तबसरा आपने राणा सनाउल्ला साहब से लिया, मरियम औरंगजेब साहिबा से लिया, आपने उज़्मा बुखारी साहिबा से लिया, आपने नून लीग के स्पोक्स पर्सन से लिया, जिस तरह तबसरा हमजा शहबाज साहब ने आके टीवी चैनल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से दिया, मैंने और फवाद चौधरी साहब ने एग्जैक्टली उसी तरह का तजर्बा किया, तबसरा किया, लेकिन उसमें इस वजह से ऐड किया कि हम हकूमत में हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम इन आज़ाद अदारों के साथ कोऑर्डिनेट करके, कोलैबोरेट करके, उनके साथ तआवुन करके जितने करप्ट और बददियानत और नाअहल लोग हैं उनकी प्रोसिक्यूशन के अंदर हर्डल, बैरियर और ऑब्स्टिकल क्रिएट ना करें, बल्कि हम उनके साथ तआवुन करके मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा मैंडेट भी यही है। हमें 2018 के इलेक्शन के अंदर अवाम ने यही मैंडेट दिया है कि जिन लोगों ने पिछले 40 सालों में इस मुल्क को लूटा है और खसूसन पिछले 10 सालों में, और खसूसन पंजाब के हवाले से अगर मैं बात करूं, मैं पंजाब का स्पोक्स पर्सन हूं, यहां पर हर शोबे के अंदर, हर अदारे के अंदर, हर वजारत के अंदर, हर प्रोजेक्ट के अंदर अरबों खरबों रुपए की जो है वो इन्होंने करप्शन की हुई है, और ये 7 साल जो जिलावतनी के अरबों के साथ गुजार के आए हैं, अब करोड़ों में तो इनको करप्शन करने का जी नहीं चाहता, ये अरबों से ही शुरू होते हैं और करोड़ों खरबों तक जाते हैं। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अभी भी इस बात पे कायम है एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन के और गिरफ्तारियां होंगी, कुछ बता सकते हैं किस किस की होंगी? हमने तो पहली जो हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई वफाक के अंदर भी यही सूरत हाल है, और हमारी भी हमने ब्रीफिंग ली सारी और उसी ब्यूरोक्रेसी से ली जो इनकी अपनी जनाब अपॉइंट करता थी। हमें बताया गया कि हर अदारा, हर वजारत, हर प्रोजेक्ट वो खसारे में है, और खसारे के साथ जनाब करप्शन की अपनी एक जनाब होशरबा दास्ताने हैं। हमें बताया गया कि पावर प्रोजेक्ट जितने हैं उनकी सॉवरेन गारंटीज़ के साथ हमें पाबंद कर दिया गया है, हम पंजाब को,
کہ وہ ایک چار آنے کا بھی اگر آپ کو کوئی بجلی پیدا کر کے نہیں دیں گے, آپ ان کو اتنے کروڑ اور اتنے ارب سالانہ دینے کے پابند ہیں. ٹھیک ہے جی, ہمیں بتایا گیا کہ آپ کی جو ملتان کی میٹرو ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ خالی بسیں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ خالی گھومے پھرے, ہم نے ان کو سال کا اتنے ارب جو ہے وہ سبسڈی دینی ہے. ہمیں بتایا گیا کہ لاہور اور اسی طریقے سے راولپنڈی کی جناب سبسڈی اور اورنج لائن گرفتار کس کو کہتے ہیں؟ خواجہ صادق رفیق گرفتار ہو رہے ہیں. دیکھو ایک چیز تو آپ کے سامنے ابھی آ گئی ہے, مجھے خبر ملی کہ شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے ہیں. کس کیس میں ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب؟ کوئی نمازیں زیادہ پڑھنے کے کیس میں تو نہیں ہوئے, نہ کوئی نفل, نہ کوئی روزے زیادہ رکھنے کے کیس میں ہوئے, وہ آشیانہ کے کیس میں ہوئے نا. تو آشیانے کا آپ نے خود انٹرو دے دیا کہ بنیادی طور پہ آشیانہ کے جو بینیفیشری ہے وہ میسرز لاہور کاسا ڈیولپرز ہیں, اور میسرز لاہور کاسا ڈیولپرز جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کے خواجہ سعد رفیق صاحب اور سلمان رفیق. یہی بات نیب پوچھ رہی ہے, بار بار نیب پوچھ رہی ہے. جب شہباز شریف صاحب کو فواد حسن فواد صاحب کی وعدہ معاف گواہ بننے اور ان کی طرف سے سالڈ پروف دینے کی وجوہات کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا ہے, تو پھر جناب والا خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق صاحب تو نہیں بچتے نا, ان کا بھی بنتا ہے. خواجہ شہباز شریف وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں؟ نہیں, آپ کے جناب فواد حسن فواد, اچھا وہ کو بٹھایا بھی گیا, یہ بھی خبر تھی, ان کو بٹھایا گیا سامنے شہباز شریف صاحب نا, جب وہ بن گئے انہوں نے پروف سارے دے دیے. ابھی چودھری آپ کے وفاقی وزیر اطلاعات جو ہیں فواد چوہان صاحب, ان کا بیان آیا, یہ پروڈیوسر صاحب ایسے ہی ہے, ان کا بیان ہے کہ نہیں ان کو ای سی ایل پہ نہیں ڈالا گیا ابھی تک. خواجہ سعد رفیق ای سی ایل میں ان کا نام آ گیا ہوا ہے. اچھا اب ان کی آپ کو ایسا لگتا ہے آن دا بیسس آف سرکمسٹانسز اور ان پروفز کے ساتھ ساتھ آگے وہ گرفتار ہوں؟ نیچرلی سی بات ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کے جو اتنے بگ ویل ہیں ان کو گرفتار کر لیا اس پروجیکٹ کے اوپر, تو اس پروجیکٹ کا اصل بینیفیشری تو جو ہے وہ سعد رفیق صاحب اور خواجہ جناب سلمان رفیق صاحب ہیں. مجھے تو نہیں آزاد چھوڑا جائے گا. میں وہ 56 کمپنیوں پر بھی آؤں گا, کیونکہ یہ تو صرف ایک آشیانہ ہے نا ناظرین, 56 کمپنی ہیں, تو بار بار جو ہے وہ اس کا نام بھی لیا جاتا ہے. اس میں کیا مسائل تھے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا, پھر ڈسکس بھی کروں گا. فواد چوہدری صاحب بار بار, خیر میرے پروڈیوسر مجھے بتا رہے ہیں, فواد چوہدری صاحب بار بار تردید کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, نیب نے, میں نے جو خبر دی ہے وہ یہ نہیں کہا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے رکھ دیا ہے, نیب نے ریکمینڈ کر دیا ہے. اب آپ تصحیح کر لیں آپ اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے, نیب نے ریکمینڈ کر دیا ہے ہوم منسٹری کو. طریقے کار آپ کو بھی پتا ہے, ای سی ایل میں نام آنے کا مجھے بھی پتا ہے. نیب ریکمینڈ کرے گی, ایف آئی اے ریکمینڈ کرے گی, پولیس ریکمینڈ کرے گی, ایف بی آر ریکمینڈ کرے گی, اصل اتھارٹی تو جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ ہے. نیب نے ریکمینڈ کر دیا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کا نام ای سی ایل میں ڈالو, یہ خبر بریک. میں اچھا اب سر, اب چونکہ بات آپ بیٹھے ہوئے تو پھر ساری بات ان کی نہیں, آپ کی اور آپ کی جماعت کی بھی ہونی ہے. آپ کو میں نے کہا تھا, آپ نے ایک جملہ استعمال کیا چوہان صاحب نے کہ جی جو بھی کرپٹ عناصر ہیں ہم ان کے پیچھے جائیں گے, کیونکہ ان کا موٹو بھی یہ تھا. ڈکلیئرڈ کرپٹ لوگ جو ہیں, ڈکلیئرڈ ڈسانسٹ لوگ جو ہیں, وہ تصویریں بہت وائرل ہوتی ہیں چوہان صاحب, جہانگیر ترین صاحب, سرکاری میٹنگز جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر. اب وہ ڈکلیئرڈ بائی دا سپریم کورٹ آپ کی میری طرف سے نہیں, وہ ڈسانسٹ بھی قرار پائے, وہ کرپٹ بھی قرار پائے, نااہل بھی ہوئے اسی کلاس کے تحت جس کلاس کے تحت میاں صاحب نااہل ہوئے. پھر آپ نے شور بھی مچایا کہ جب ان کو پارٹی کا قائد چنا گیا کہ جناب یہ کیسے کوئی پارٹی لیڈ کر سکتے ہیں. تو سر یہ اصول آپ اپنے اوپر لاگو کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب بھی تسلی سے سن لیں. آپ کو فرق میں بتاتا ہوں, جہانگیر ترین صاحب کی ڈگنیٹی کا, ان کی گریٹنس کا, ان کی اعلیٰ ظرفی کا, اور ہمارے جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے اور ان کی پارٹی کا. وہ بھی نااہل ہوئے, یہ بھی نااہل ہوئے. ان کی طرف سے مجھے کیوں نکالا سے لے کے سپریم کورٹ, نیب, نیب کی عدالت, تمام اداروں کو جو لان تان, دشنام, استہزاء, برا بھلا اپنی طرف سے بھی, بیٹی محترمہ کی طرف سے بھی, پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی, پچھلے 2 سال سے سن سن کے میرے بھی اور آپ کے بھی کان پک گئے ہیں. اسی طرح آپ نے جو نہیں نکالا, سنے نا, سنے تو گلے سے لگا, پوری بات تو سنو, وہ کہ مجھے کیوں نکالا, پوری بات تو سنو نا. اچھا اس کے بعد دوسری طرف آ جائے جہانگیر ترین صاحب کا, یار ایک فکرہ, ایک لفظ بتا دو کہ جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے کوئی عدالت کے خلاف, کوئی عدالت کے فیصلے کے خلاف, کوئی نیب عدالت کے خلاف کوئی آیا ہو کہ یار یہ کیا کیا, یہ مجھے کیوں نکالا, یہ فیصلہ غلط ہے, یہ فیصلہ فلاں ہے, کوئی نہیں. پھر اس کے ساتھ اگلا آ جاؤ, ان پہ لگا داغ تو نہیں ملتا, ڈسانسٹی کا داغ جو لگا ہے وہ تو نہیں اس سے مٹ جائے گا. پارٹی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی سنگل بندہ عمران خان صاحب سے لے کے میری طرح کا تیسرے درجے کا کارکن جانا, اس کا کوئی بتا دو کہ کسی نے عدالت کے اوپر, عدلیہ کے سسٹم کے اوپر, نیب کے اوپر, نیب کی عدالت کے اوپر کوئی گلا کیا ہو. پہلی چیز. دوسری, آگے آ جاؤ, انہوں نے کیا کیا, سنے سنے نا, اگلی بات سنو, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کو بنا دیا اپنا قائد.
कायद बनाने से पहले आइन को और कानून को जो है ना, जिस तरह वो हलवे की प्लेट पे जो है ना वो भूखा जो है ना वो हाथ मारने की कोशिश करते ना सारा उसको परात के ऊपर, इस तरह पहले इन्होंने आइन और कानून को शफल किया कि किसी तरीके से बीच में से रास्ता निकाल के ना दोबारा से नवाज शरीफ साहब को पार्लियामेंट के अंदर भी और टिकटे बांट रहे थे यहां ये किया गया। इधर देख लें, इधर जनाब उनको आराम से इज्जत और एहतराम के साथ ओहदे से साइड पे कर दिया गया और कहा गया जब तक फैसला नहीं आएगा उस वक्त तक ओहदे पे नहीं होंगे। फैसला आया, सुने सुने, फैसला आया, आराम से सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से उतारा अरशद दाद साहब को चेयर पे बिठा दिया सरकारी मीटिंग। बात तो सुनो ना यार, अली बात तो सुनो ना सर, उनको कान इधर से पकड़ रहे हैं चौहान साहब, पूरी बात आम फैसला करेगी ना, कान में किधर से पकड़ रहा हूँ। उन्हें जनाब अलहदा करके चौधरी अरशद दाद साहब को सेक्रेटरी जनरल बना दिया। दो चीजें, तीसरी चीज, एक बात आप बिल्कुल अपने जेहन में बिठा लो, मैं 38 साल का सियासी कारकुन होने के नाते से आपको बता रहा हूं, आप ओहदों से फारिग कर सकते हैं किसी बंदे को भी, कोई पॉलिटिकल पार्टी दुनिया के किसी तरक्याती किसी डेवलपिंग कंट्री हो कि पार्लियामानी जमहूरियत हो या किसी बैकवर्ड मुल्क की, कारकुनशिप से आप किसी को फारिग नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं। फिर तो दिलों का वजीर आजम नवाज शरीफ ठीक था, और चौहान साहब के अपनी जब से इनका टेन्योर शुरू हुआ उस पर भी कुछ सवाल उनकी जमात के हवाले से, लेकिन 56 कंपनियां नाजरीन बताना बड़ी जरूरी है आपको कि यह सारी गड़बड़ हुई कैसे, ये सब कुछ किया क्या गया है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती आ रही है इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसे डिनाई नहीं करता, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब जनाब फैजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और खबरें जो जो आ रही हैं वो अपडेट्स बहुत ज्यादा हैं। नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल पहली दफा ही उन्होंने बात की है ऑफिशियली, इस तरह से उनके टिकट अभी चल रहे थे, उन्होंने भी कहा है कि मुखालिफीन उतना आम पे जुर्म ढाएं जितना बाद में वो खुद सह सकें, और फिर इमरान खान के हवाले तनकीद का निशाना बनाया, अफसोस का इजहार किया कि शहबाज शरीफ साहब ने इतना काम किया कौम की खिदमत की और उसके बावजूद उनके साथ ऐसा सलूक रवा रखा जा रहा है। अच्छा मेरे लिए इसमें जो एक अजीब बात है, मैं चौहान साहब से भी डिस्कस करूंगा फिर आपके सामने भी रखूंगा, कि ख्वाजा सादर रफीक हों, खुद हमजा शहबाज शरीफ हों या अब नवाज शरीफ साहब, क्योंकि हमजा साहब की टोन तो मुख्तलिफ होती थी, शहबाज शरीफ साहब बड़े नवाज शरीफ साहब बड़े अग्रेसिव रहे, कोई भी अब ना अदलिया पे बात कर रहा है ना इदारों पे बात कर रहा है ना एस्टैब्लिशमेंट पे ना हवाई मखलूक का जिक्र कर रहा है, वो इन केसेस में जो कुछ हो रहा है जो घेरा तंग हो रहा है इनके गिर्द उसका इल्जाम इमरान खान पे डाल रहे हैं, हालांकि केसेस इनके अपने दौर में शुरू हुए थे। अच्छा मैं क्विकली जरा, क्योंकि आज केस था साफ पानी का, मुझसे अगर आपके बहुत से सवाल करने हैं तो जरा ये क्विकली जरा साफ पानी का मुझे आंसर बताइए ना। आपने अभी जो चीज बताई है वो बड़ी जबरदस्त है कि कोई भी हुकूमत के अलावा कहीं पे बात नहीं कर रहा, हुकूमत को ये मुबरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, हालांकि नैब एक आज़ाद अदारा है। मैं आपके सामने एक थीसिस रखता हूँ, 2015, 16 और 17 तीन साल आपको याद होंगे जब नैब ने बुलाना शुरू किया हमजा शहबाज को, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी थी नैब के खिलाफ, याद है ना आपको, धमकियां लगाई थी नैब को, शहबाज शरीफ साहब ने लगाई थी, आपने 150 मेगा स्कैंडल सुप्रीम, याद है ना आपको, याद। क्या आज ये जिस अंदाज से हुकूमत पे इस केस में नैब के केस पे तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पे और पीटीआई पे, तो इसका मतलब है कि जो 2015, 16 और 17 के अंदर नैब इनको बुलाती थी वो इनकी अपनी हुकूमत के कहने पे बुलाती थी? आप मुझे जवाब दें हाँ या ना में देना, लंबी बात नहीं करनी, जाहिर तो यही होता नहीं। क्या उनकी हुकूमत पे शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया था कि शहबाज शरीफ साहब को नैब के अंदर बुलाओ? शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया था या शायद खान अब्बासी या नवाज शरीफ साहब 2015-16 में थे? क्या नवाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया था हमजा शहबाज को जो है वो प्रोसिक्यूशन के लिए केस पे बुलाओ? तो जनाबे वाला अगर उस वक्त वो असूल था तो आज बड़ा अजीबोगरीब आपने उल्टा असूल जो है वो डिराइव कर लिया है कि जनाब नैब आपके खिलाफ सारा केस कर रही है, पीटीआई को और हुकूमत को इमरान खान साहब को मुबरद इल्जाम ठहरा रहे हैं। नहीं, सूरत हाल ये है, नैब एक आजाद अदारा है, नैब एक ऑटोनोमस अदारा है, नैब आपके अपने दौर में बनाए हुए केसेस को परस्यू करते हुए उसकी प्रोसिक्यूशन की बुनियाद पे आज आपको गिरफ्तार कर रही है, उससे पीटीआई का या इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ एक ताल्लुक है जो हम सुबह से कह रहे हैं और पिछले 1.5 महीने से ये बात कह रहे हैं और आइंदा भी कहेंगे। अब हम कम अज कम पिछले 10 साल की तरह जरदारी साहब का दौर, नवाज शरीफ साहब का दौर, शहबाज शरीफ साहब का दौर, हम इन आजाद अदारों की जो वर्किंग
एग्जीक्यूशन होती है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजेरियल या प्रोसिक्यूशन होती है जो कानून की, उसके रुकावट नहीं डालेंगे। बिल्कुल ठीक, हम लोग धमकाएंगे चौहान साहब, चूंकि गवर्नमेंट आपकी है नजर तो हम अपोजिशन में आते हैं उस पर ठहर के आएंगे। अपोजिशन पे कम और आप पे ज्यादा बात करनी है, क्योंकि अब आप हुकूमत में, अब आपको तनकीद आप पे होगी और आपसे सवाल ही पूछे जाएंगे। सर अभी आप जब मामला आपकी पार्टी का है, लेकिन आपकी पार्टी के दावे बहुत बुलंद थे। सर ये टिकट जो है वो अलॉट हो गया जनाब, क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ हैज नॉमिनेटेड मिस्टर हुमायूं अख्तर फॉर नेशनल असेंबली सीट नंबर 131 हो गया सर। अच्छा उसमें ये भी खबर आई और ये विजुअल्स भी चले कि हल्के के अंदर किसी जगह पे किसी नाराज कारकुन ने या कुछ लोगों ने गिरोह ने लोटे लटका दिए और सब कुछ हो गया। उसके बाद ये स्क्रीन पे चल भी जाएगा अभी थोड़ी देर में, प्रोफेसर साहब चला देंगे कि इन्होंने नून लीग की टिकट के लिए भी अप्लाई किया था कुछ अर्सा पहले। सर आपका कारकुन, मैं आपको भी अच्छी तरह जानता हूं जो आपका सफर पीटीआई के साथ रहा है, जिस बंदे ने खून पसीना मारे खाई है पीटीआई के लिए, उसको गुस्सा तो फिर आएगा ना सर, उसके तो उसका शिकायत तो बनती है ना कि फिर पैराशूट के जरिए लोग आते हैं और वो टिकट भी ले जाते हैं। हालांकि कैसी वफादारी है कि कुछ अर्सा पहले कहीं और से टिकट मांग रहे थे, वहां से जब रांदा दरगाह हुए तो फिर आपके पास आ गए। ये क्या तजाद सुन ले, क्या हुमायूं अख्तर खान साहब कोई करप्ट डिक्लेयर्ड करप्ट आदमी है, क्या नैब जदा है, क्या नैब के अंदर कोई रेफरेंस दायर है, क्या उनकी रेपो खराब है, क्या पैरागॉन सिटी के तर्ज के उनके ऊपर स्कैंडल्स हैं, क्या बंदों के कत्ल वारदगरी और गुंडागर्दी के स्टाइल के उनके ऊपर कोई इल्जाम हैं। यार एक साफ सुथरे इंसान है, साफ सुथरी उन्होंने सियासत की है, साफ सुथरे साफ सुथरे बाप के बेटे हैं कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, अपनी जान दी। अब ये चीज देखना कि कौन पहले कौन नया, तो यार आप देखें नून लीग, अब सुनो इसके अलावा एक और पैमाना है, सवाल सुन ले, एक और पैमाना जवाब दे लूं ना, सही तशरा रह जाएगा जवाब। हमने तो चलो कोई इतने बड़े दावे नहीं किए, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो पार्टी थी ना वो 1999 से लेके ना 2008 तक जो 9 साल थे, उन्होंने अपनी सारी पॉलिटिक्स और सारी अपनी जो इलेक्शन की पॉलिटिक्स वो जना मुशर्रफ को गालियां देते हुए आपका रुपया समझ गया। उसके बाद जो पहली असेंबली में उन्होंने 2008 में टिकट दिए, आपके दावे ज्यादा बड़े थे, 80% जो है वो मुशर्रफ के राइट और लेफ्ट लोग थे। 2013 में टिकट दिए, 80% राइट और लेफ्ट जो है परवेज मुशर्रफ के लोग थे। यार ये बातें नहीं होती, नहीं सर ऐसे बात ये है ना, ऐसे नहीं लोगों ने एक्सेप्ट किया, नहीं कवर पे रख के ना मारे हैं। आप ये कहते हैं कि आवाम ने एक्सेप्ट, मैं आपकी सारी बात पहली मान गया, 100% हुमायूं अख्तर खान को एक्सेप्ट किया है, आपकी पहली बात मान गया के लिए पूरी पार्टी, वो तो आप कह रहे हैं ना आप कैंडिडेट हैं, चौहान साहब आपकी पहली बात ने मान गया कि जी नैब ज्यादा नहीं है, अच्छे बाप के बेटे हैं और बड़ा अच्छा, ठीक सब कुछ ठीक है। जिनके हवाले से आप ये पलंदा लेके बैठे हैं ना चौहान साहब, या जिनके मैंने जिनकी बाबत मैंने बात की है यहाँ पे, जो अभी गिरफ्तार हुए हैं, जो अहल हुए हैं, जो नैब से जेल काट के अभी आए हैं 2 महीने की, इन सबको कुछ माह पहले हुमायूं अख्तर साहब डिफेंड कर रहे थे, इनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे और इनके हक में बयान दे रहे थे। वो पारसा थे जो आपके लिए करप्ट है, मुल्क दुश्मन है, वो आज आपकी सफर में बैठे। आपने 80s की सियासत जाना नहीं देखी होगी, उस वक्त थोड़ी सी उम्र आपकी जाना थोड़ी सी छोटी होगी, 80s की ऑब्वियसली छोटी उम्र है, आप यंग आदमी, आप बूढ़े हैं जाना। 80s की पॉलिटिक्स अगर आप देखते ना, नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम मोहतरमा जना बेनजीर भुट्टो साहिबा और पीपल्स पार्टी और नून लीग, यार क्या क्या गंदे से गंदा इल्जाम एक दूसरे के ऊपर नहीं लगाया। लेकिन यहाँ कोई और जमात का बंदा बैठा होता तो मैं सवाल ना पूछ, सुनो ना, फिर क्या का बंदा बैठा होगा, फिर आप उसके दावे बड़े बुलंद। सियासत के अंदर कोई चीज भी हरफे आखिर नहीं होती। हाँ आप उनके जाती करेक्टर की बात करें, नैब जदा है, करप्ट है, कब्जा ग्रुप है, पैरागॉन सिटी के जना वो मालिक है, वो जनाब कब्जे करते हैं, उन्होंने हुकूमती जना ओहदों को इस्तेमाल करके अरबों खरबों पे लूटे हैं, तो आपका सवाल बनता है। चले मैं अब आगे आ जाते हैं हम जरा इस पे जो है ना, वो ठीक है आपका एक मौकफ है वो आपका आ गया, उसके हम रिस्पेक्ट करते हैं, आगे आ जाते हैं। नवाज शरीफ इस्तीफा दे क्योंकि उस पर इल्जाम लग गया, बहुत बड़ा इल्जाम लग गया, या वो कोई भी शख्स जो हुकूमत में था वजारत में था इस्तीफा दे। अब ये एक इल्जाम लगा है, मैं इस बात फकत इल्जाम है, और ये अगर ऐसा अगर गलत हुआ तो मैं समझता हूं पुलिस वालों को छतर मारने चाहिए अगर ऐसा है तो, लेकिन सूबाई वजीर है उनके बेटे पे इल्जाम लग गया, FIR आपने भी पढ़ी होगी, लेकिन फिर इल्जाम लग गया। अब ये तसल्ली से जवाब सुन रहा है, मैं सुनूंगा सवाल मुकम्मल कर, सवाल आ गया ना, चल रहा है 2 दिन से चल रहा है, तो आप कहना जनाब के चूंकि ये कार्रवाई पे असरअंदाज हो सकते हैं सूबाई वजीर है तो ये भी इस्तीफा दें। पहली बात तो ये है, अब तसल्ली से 3 मिनट बोलना नहीं है, पहली बात ये है कि ये 80% झूठ है ये FIR, 80% मैं आपको बताता हूं, कतअन भी उनका बेटा वहां पे रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया,
یہ سن لیں، میں آن ریکڈ بات کر رہا ہوں، وہ گیا ہے اپنے دوست کو چھڑوانے کے لیے۔ دوست کے حوالے سے بھی جو چیزوں کو پروپوگیٹ کیا گیا وہ بھی ایک بہت ایگزیجریشن کے ساتھ ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری چیز، مجھے آپ یہ بتائیں، بیٹے کا الزام ہے نا، بیٹے کا الزام فائنینشیل کرپشن کا، فائنینشیل کرپشن کا الزام، یہ مورل ہے نا، سن لینا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد جو ہے نا آزر، وہ تو جہنمی تھا نا، لیکن باپ تو جنتی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا، آگے آ جائے، آگے آ جاتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ تو جہنمی تھا نا، باپ تو جو ہے وہ جنتی تھے، نبی تھے۔ اگر آپ نواز شریف پہ لاگو کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، نواز شریف پہ لاگو نہیں، نواز شریف خود کرپٹ تھے۔ دوسری چیز، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جو 2001 میں جنیوا کنونشن کے تحت جو کرپشن کی ڈیفینیشن ہوئی ہے، اس کی بہت سی ڈیٹیلز ہیں، سب آرٹیکلز ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے جو ہر آپ کی جناب اینٹی کرپشن کے اور نیب کے آرڈیننس کے اندر شامل ہے مختلف ممالک کے، کہ جب ایک حکمران حاکم ہوگا یا کوئی بیوروکریٹ کرسی پہ بیٹھا ہوگا، اس کی اولاد کی کوئی پراپرٹی نکلتی ہے، وہ کم عمر ہوگا، وہ نابالغ ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور اگر نہیں بھی ہوگا، وہ اگر ثابت نہیں کر سکے گا کہ یہ پراپرٹی میری نہیں ہے، یا نا، تو پھر آبویسلی وہ اس کے باپ کی کنسیڈر ہوگی۔ تو یہ مورل ایکٹیویٹیز کو آپ کسی کے باپ کی بنیاد پہ کہیں کہ اب وہ سیاست چھوڑ دے، حالانکہ یہ کس اتھارٹی کے تحت آپ کہہ رہے ہیں سر؟ حالانکہ میاں محمود الرشید صاحب کی گریٹنس ہے، انہوں نے کہا کہ اگر میرا بیٹا جانا اس طریقے سے، جس طریقے سے پورٹریٹ کیا گیا ہے، جس طریقے سے پورٹریٹ کیا گیا ہے اس ایف آئی آر میں، اگر میرا بیٹا اس طریقے سے ثابت ہوا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، میں سیٹ چھوڑ دوں گا۔ تو یہ چیز ساری جو ہے نا 80% کے قریب جو ہے نا، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جھوٹ کے اوپر ہے۔ اور اس کے پیچھے کہانیاں کیا ہیں، اس میں ہمیں لاہور کے پولیس افسران کا بھی پتہ ہے، ہمیں یہاں کی بیوروکریسی کے کچھ لوگوں کا بھی پتہ ہے، جو 10 سال کی نون لیگ کے ساتھ محبت ان کے دلوں سے نہیں جا رہی۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم ساروں کو جو ہے وہ مینج بھی کریں گے، ٹیکل بھی کریں گے، کہ جو انٹینشلی یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت کو ناکام بنانے کے لیے ایک ناکام سی کوشش کرنے لگے نا بیوروکریسی اور پولیس کے اندر، انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا، 1-1.5 مہینے کے اندر اندر ان ساروں کو جو ہے نا ہم سیدھا کریں گے، کہ جو اپنے پرانے آقاؤں کے ساتھ مل کے جن کو چسکا لگ گیا نا حرام کا، ٹھیک ہے، ان کو اب ہضم نہیں ہو رہی اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت، انشاءاللہ ان کو ٹھیک۔ چلیں، مجھے وقفہ لینا، اس سے پہلے کوئک سا کوسچن آپ سے میں کر دیتا ہوں، پھر وقفے کے بعد کچھ چیزیں ناظرین کے سامنے رکھنی بھی ہیں، بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس کا تعلق بھی حکومت سے بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور چیزوں سے بھی ہے۔ جناب شیخ رشید صاحب کے بھتیجے، اب میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے ایک پولیٹیکل رائیول بھی وہ رہے ہیں، شیخ رشید صاحب کے بھتیجے وہ نوکریاں بانٹنے کا اعلان کر رہے ہیں، الیکشن قریب ہے اور سب کچھ یہ ہے، میں اس پہ کچھ سوال نہیں کروں گا، صرف آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ بطور انفارمیشن منسٹر پھر غیر جانبداری کا بھی ایک دعویٰ وہ بھی رہتا ہے، اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں، یہ آپ ان سے سوال پوچھیں پہلی چیز، دوسری چیز ان کی منسٹری ہے، اس منسٹری کے انڈر اگر کوئی نوکریاں آئی ہیں اور وہ نوکریاں تقسیم کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، لوگوں کو روزگار دینے کا اعلان، بھتیجا صاحب تو اعلان نہ کریں نا، میرٹ تو کریں بھائی، بھتیجا صاحب تو نہ اعلان کرتے پھر نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نوکریاں دینے کا اعلان کر رہے ہیں تو نوکریاں دینا ایک اچھی بات ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے نا، لوگوں کو نوکریاں ملنی چاہیے، روزگار ملنا چاہیے، روزگار دینے نہیں ٹھیک ہے، لیکن اسی جنہوں نے نوکریاں لینی ہے، ایک آدمی جو الیکشن کو ٹیسٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن علی بھائی ٹیسٹ کر رہا ہے، جنہوں نے جن کے گھر چولہا نہیں جلتا نا، جن کے گھر غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، بے حالی ہے، بدحالی ہے، تباہی ہے، ان سے پوچھو کہ کتنا سیٹسفیکٹری جواب ہے، نوکری دے تو غلط، شاید انہیں نوکری دے تو غلط، خورشید شاہ جو ہے نا نوکریاں بیچے، شیخ رشید کا نوکریاں بیچے، بیچنا ہی ہوتا ہے نا، بیچے تو غلط ہے، وہ تو بالکل غلط ہے، ہم کہتے ہیں غلط ہے، لیکن کسی کو نوکری، میری منسٹری میں نوکری آئیں گی، لوگوں کو دیں گے یار، للہ فللہ دیں گے، ملنا چاہیے روزگار، لوگوں کے چولہے جلنے چاہیے گھروں میں۔ اچھا چلیں جناب، ایک اور، چونکہ وقت کم ہے، مجھے صرف اس حوالے سے آپ کا موقف چاہیے، اس میں میرا سوال نہیں ہے، تنقید اس میں بالکل شامل ہو، کہ وقت بہت کم ہے، چلائیں جی چوہان صاحب کی نعت چلائیں، میں صرف ان کا اس پہ موقف جاننا چاہ رہا ہوں، اس پہ کوئی کوسچن نہیں ہے، مجھے پتا ہے بڑے دل کے قریب معاملہ لوگوں کے، صرف ان کا موقف چلائیں سر۔ چوہان صاحب نعت بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی جماعت کا چوہان صاحب اور آپ کے قائد کا قادری صاحب کے حوالے سے موقف مختلف ہے، میں آپ سے، آپ کا موقف صرف اور صرف موقف کیا ہے آپ کا، اب آپ چونکہ انفارمیشن منسٹر بھی ہیں جماعت کے ہم عہدے